अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारा टॉपिक आज जो चल रहा है वो सैम्पलिंग के बारे में। हम सैम्पलिंग के टाइप्स पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। पहले हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा और अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स चल रही हैं। आज जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप पढ़नी है वो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग या फिर बाकायदा नमूना बंदी। इसमें सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में इस तरह होता है कि इसमें नमूने की लिस्ट में या फिर सैम्पलिंग फ्रेम में जितने भी अरकान शामिल होते हैं उनको हम एक नंबर दे देते हैं। वो नंबर हम अल्फ़ाबेटिकली भी दे सकते हैं और या फिर न्यूमेरिकली भी दे सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 भी दे सकते हैं और ABCD या किसी भी तरीके के साथ हम जो हमें कन्वीनियंट लगे उस तरीके से उनको नंबर दे सकते हैं। और उसके बाद उन नंबरों में भी कोई एक स्पेसिफिक एक मखसूस गैप लेकर हर नमूने को इंतखाब करते रहते हैं। मतलब अगर हमने 4 का डिफरेंस रखना है तो फिर हम पहला, चौथा, आठवां, बारहवां इस तरह सेलेक्ट करते जाएंगे कि हर नमूना सेलेक्ट करते वक्त 4 का डिफरेंस डाल के अगला अरकान मुंतखब करेंगे। जैसे इसका एक का अनायत है जिसमें 600 अरकान शामिल है और मुहक्क को और जो रिसर्चर उसको 100 अफराद का नमूना चाहिए, तो फिर उसका वो जो सैम्पल सिलेक्शन करेगा वो कुछ इस तरह करेगा कि वो 1st, 6th, 12th, 18th, 24th, 30th और 36th इसी तरह कंटिन्यू 600 तक चलेगा और वो अपने नमूने की या सैम्पल की सिलेक्शन कर लेगा। उसके बाद हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की खूबियों के बारे में अगर पढ़ें तो इसमें नमूने का नहायत आसान है। और सेकंड जो उसकी खूबी है उसमें नमूने की हर इकाई को आसानी से हम चेक कर सकते हैं और उससे जिसकी वजह से उसमें गलती का इम्कान कम हो जाता है। उसके बाद सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की खामियां हैं कि मुंतखब इकाइयों के दरमियान वाली इकाइयाँ इस किस्म में नज़रअंदाज हो जाती हैं क्योंकि रिसर्चर इसमें एक स्पेसिफिक गैप के बाद अगला फ़र्ज या अगला अरकान मुंतखब कर रहा है, तो जो दरमियान में रह जाती हैं वो इकाइयाँ नज़रअंदाज हो जाती हैं। ये इसका एक बैकड्रा है। और दूसरी इसका यह है कि अगर हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास पहले से कम्प्लीटली डिटेल होनी चाहिए पॉपुलेशन की या फिर उस कायनात के लोगों की, लेकिन जो कि मोस्टली नमूना रिसर्चर के लिए पॉसिबल नहीं होता। और थर्ड है कि अगर जो हमने सैम्पल सेलेक्ट किया है उसमें जो लोग सैम्पलिंग फ्रेम में है, मतलब जहाँ से हमने सैम्पल लेना है, अगर उनको हम अल्फ़ाबेटिकली अगर उसको उनको तरतीब दें तो फिर इस तरह हो जाता है कि कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं जिससे नाम ज़्यादा होते हैं तो वो अरकान ज़्यादा हो जाएंगे किसी एक मखसूस अल्फ़ाबेट के और बाकी जो होंगे वो कम होंगे, इसलिए वो पूरी तरह हम उसको तब रिप्रजेंट नहीं कर रहे होते कि कहीं पर आबादी ज़्यादा हो जाएगी और कहीं पर कम हो जाएगी। ये तो उसके बाकायदा नमूनाबंदी की खामियाँ थी। उसके बाद है होल या गुच्छा नमा नमूनाबंदी, क्लस्टर सैम्पलिंग।